Hello, my dear students. I, Neha Rabani, your computer teacher. Now we will start your lesson number 3. So you have to open your book, page number 16. So open your page number 16, lesson number 3, Parts of a Computer. Chapter 3, page number 16, Parts of a Computer. ओके जैसे हमारे बॉडी में पार्ट्स होते डियर स्टूडेंट्स लाइक आईज नोज ईयर्स हैंड्स सेम एज कंप्यूटर हैज फ्यू पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ओके सो वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके काम क्या है उसके यूजेस क्या है सो लेट्स सी सो फर्स्ट सी अ कंप्यूटर हैज फोर मेन पार्ट्स ओके कंप्यूटर के पास कितने मेन पार्ट्स होते हैं फोर सो कंप्यूटर हैज फोर मेजर पार्ट फोर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के पास ओके फर्स्ट सी ये आपको टेलीविजन जैसा दिख रहा है लाइक टीवी स्क्रीन सो इट इज कॉल्ड मॉनिटर MONITOR मॉनिटर ओके फर्स्ट पार्ट इज मॉनिटर देन लुक एट द सेकेंड पार्ट ये जो बोर्ड है जिसके अंदर छोटे 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 बटन्स है स्विचेस जिसको हम कीज बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड KEYBOARD कीबोर्ड देन थर्ड पार्ट लुक एट द ब्लैक कलर्ड बॉक्स दिस बॉक्स इज कॉल्ड CPU बॉक्स ओके CPU बॉक्स के अंदर एक छोटा सा CPU होता है इतना छोटा सा तो ये है कंप्यूटर का थर्ड पार्ट एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ पार्ट एक छोटा सा इतना सा ब्लैक कलर का डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं माउस ब्लैक वाइट कोई भी कलर्स में अवेलेबल है मोस्टली यू कैन सी इन द ब्लैक कलर जिसके साथ एक वायर्ड अटैच होता है ओके सो दिस इज कॉल्ड अ माउस MOUSE माउस सो कंप्यूटर हैज फोर मेजर पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स फोर First is monitor, keyboard, CPU and mouse. Okay, so this is all about page number 16. Now look at the next page, page number 17. So open your page number 17. Okay, there are three different parts. So let's see. So look at the first part. Let us learn about the main parts of computer. First is monitor. Okay, जो आपको कैसा दिखता है एकदम television जैसा TV screen. Okay, MONITOR. Now, what's the features of monitor? It looks like a television screen. As I said, वो एकदम TV जैसा होता है. Then it shows what a computer is doing for you. Okay, and on the monitor you can see the different task which is done by computer. जो computer करता है जैसे कि you can see the games, you can see movies, pictures, different things on the screen. Okay, तो computer जो कुछ भी work करता है वो आपको किस पे दिखेगा monitor screen पे. Then next, you can watch movies like Robot, Spider-Man, Tom and Jerry, Hanuman and Superman on it. और मॉनिटर की स्क्रीन पे आप डिफरेंट मूवीज देख सकते लाइक स्पाइडरमैन सुपरमैन छोटा भीम टॉम एंड जेरी एटसेट्रा ओके एनी मूवीज सो देन नेक्स्ट इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU नाउ मॉनिटर का एक दूसरा नेम है अनदर नेम ऑफ मॉनिटर इज VDU नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU Visual Display Unit. Okay, Visual Display Unit. So this is all about monitor. The next part is CPU. So let's see. So look at the second part, CPU box and CPU. CPU stands for Central Processing Unit. अब CPU का भी full form है, मतलब उसका पूरा name है. क्या है उसका name? Central Processing Unit. Central Processing Unit. तो ये जो छोटा सा CPU है वो कहाँ होता है CPU box के अंदर Inside the CPU box. See, it is present inside the CPU box. It is the brain of a computer. अब हम humans हैं तो हमारे पास भी brain है ना
जहाँ से हम सोचते हैं, याद रखते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेन है डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है, ओके, जहाँ से वो डिफरेंट वर्क करता है हमारे लिए। सो कंप्यूटर का ब्रेन है CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। देन नेक्स्ट, इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स। एज आई सेड, कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, राइट? सो वो सब काम करने में उसकी हेल्प कौन करता है? CPU, इट्स ब्रेन। गॉट इट? नाउ थर्ड पार्ट इज कीबोर्ड। लेट्स सी, दिस इज अ कीबोर्ड। एक ब्लैक कलर का इतना बोर्ड होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे बटन्स होते हैं। दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज, ओके? सो इट हैज मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। गॉट इट? स्मॉल स्विचेस, और यू कैन से बटन्स विच यू हैव टू प्रेस। दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ कीज, और अलग अलग टाइप्स की कीज होती है। कुछ की से आप नंबर टाइप कर सकते हैं, कुछ की से आप अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं। गॉट इट? इट हेल्प्स यू टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। एंड वी नो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इटसेल्फ, वी हैव टू गिव कमांड्स, राइट? हमें उसे कमांड्स देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो कमांड्स देने में उसकी हेल्प कौन करता है? कीबोर्ड। गॉट इट? Then see the next point. You can type any letter or number by pressing these keys. And if you want to type any letter or number, you just have to press the particular key. Got it? So this is all about your page number 17. Now turn the page and open your page number 18. Okay, one more part of computer is there, mouse. So let's see. Now see the fourth part of computer, mouse. M-O-U-S-E. Mouse. Now let's see the features of mouse. First, it also helps to give commands to a computer. Computers ko command de sakte. Suppose we want to play games. So we are going to click particular object. Agar hume picture draw karna hai, to hum mouse ke help se draw kar sakte, right? So jaise keyboard computer ko commands dene mein help karta hai, same as mouse help us. Got it? Then next, it has two or three buttons on it. नाउ माउस के ऊपर 2 to 3 बटन्स होते हैं, आइदर 2 or 3, बाई विच वी कैन गिव कमांड्स टू अवर कंप्यूटर। देन नेक्स्ट, यू ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग अ माउस, यू ऑल्सो प्ले गेम्स यूजिंग अ माउस। मैंने आपको बोला दैट विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन प्ले गेम्स एंड वी कैन ड्रॉ मैनी पिक्चर्स। गॉट इट? देन नेक्स्ट टॉपिक, मेमरी एंड स्टोरेज। ओके, जैसे हमारे पास मेमोरी होती है, हमारे ब्रेन में हम कितनी सारी चीज़ें याद रखते हैं, राइट? सो आई टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 2 दैट कंप्यूटर रिमेंबर मैनी थिंग्स, है ना? कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता है, तो वो याद कहाँ पे रखेगा? फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी, कंप्यूटर स्टोर्स वर्ड्स, पिक्चर्स, मूवीज एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें वो स्टोर करके रखता है, तो वो कहाँ पे स्टोर करेगा? सो कंप्यूटर हैज़ मेमोरी, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, ओके? तो चलो देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की। सो लुक एट हियर, डू यू नो हाउ यू रिमेंबर थिंग्स? मेमोरी इन योर ब्रेन हेल्प्स टू रिमेंबर एवरीथिंग। हमारे ब्रेन में जो मेमोरी होती है उसकी हेल्प से हम सब कुछ याद रखते हैं, राइट? सो सिमिलरली अ कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी टू रिमेंबर एंड स्टोर थिंग्स। तो कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, ओके? यू कैन यूज CD, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव टू स्टोर योर वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अब ये जो है वो सब कंप्यूटर की मेमोरी है, CD, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। गॉट इट? ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेमोरीज है, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, ओके? तो फर्स्ट सी, दिस इज अ CD, हम सब ने देखी है CD, राइट? नाउ यू हैव टू पुट CD इनसाइड द CD ड्राइव। CD ड्राइव होती है जिसके अंदर हमें CD रखनी है। गॉट इट? सो CD इज प्लेस्ड इनसाइड द CD ड्राइव। देन नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे होती है जो CPU बॉक्स के अंदर फिक्स्ड होती है, ओके? हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स, ये भी कंप्यूटर की मेमोरी है। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव, सबने देखी है पेन ड्राइव। सी, ये पेन ड्राइव है छोटी सी, ओके? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। सो पेन ड्राइव हमें अटैच करने के लिए ऐसे पोर्ट के अंदर रखना पड़ता है,
जिसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, ओके, छोटा सा एक होल होता है जिसके अंदर हमें पेन ड्राइव अटैच करना है. सो दिस इज कॉल्ड यूएसबी पोर्ट. पेन ड्राइव इज पुट इन द यूएसबी पोर्ट. सो ये जो सब है वो क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी. ओके, देन नाउ ओपन द पेज नंबर 19. लुक एट योर नेक्स्ट टॉपिक, नो अबाउट टच स्क्रीन कंप्यूटर्स. सो लेट्स सी दिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी नो इफ यू वॉन्ट टू गिव कमांड्स टू अवर कंप्यूटर वी नीड कीबोर्ड एंड माउस. बट विदाउट कीबोर्ड एंड माउस यू कैन गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर. यस, इट्स राइट, विदाउट कीबोर्ड एंड माउस यू कैन यूज अ कंप्यूटर. हाउ? विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन. ओके, टच स्क्रीन की हेल्प से आपको कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू टच ऑन द स्क्रीन. सपोज सी ये हमारा स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू टच एंड वी कैन ओपन एनी एप्लीकेशन, राइट. तो हमें क्या करना है, कोई भी इमेज पे जस्ट टच करना है विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर, सो वी कैन हैंडल इट. सो सी, कीबोर्ड एंड माउस आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कैन यू थिंक ऑफ अ कंप्यूटर ऑन विच यू कैन वर्क विदाउट कीबोर्ड और माउस? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि बिना कीबोर्ड माउस के आप वर्क कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स. कैसे? विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन. सो सी, दीज आर द डिफरेंट टच स्क्रीन डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज टच स्क्रीन मॉनिटर. ठीक है, ये पूरा मॉनिटर ही टच स्क्रीन होता है, यू जस्ट हैव टू टैप. देन सेकेंड वन इज टच स्क्रीन स्मार्टफोन. ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया फोन. देन थर्ड इज टैबलेट. सो दीज आर द डिफरेंट टच स्क्रीन डिवाइसेस. Got it? See, a touch screen computer allows you to touch items on the screen with your finger to give commands. ठीक है, आप अपने finger की help से कोई भी picture पर tap कर सकते हैं and touch कर सकते हैं. You can tap on the screen to open pictures, play games, listen music and many more. और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है, just you have to tap on the particular icon. Got it? So this is all about your chapter number 3. You have to learn and read. Okay, dear students, thank you.